तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास टेंथ का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का हम लेकर आ चुके हैं संस्कृत का ओरिजिनल परस पत्र। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव बताऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है संस्कृत का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल परस पत्र लेकर आ चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में आप लोग जाकर बैठिएगा तो यही क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए 105 विषय कोड रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को देखते हैं और उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग को समझा समझा के इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, वैसे ही जाकर आप लोग को बिल्कुल छाप देना है सेम टू सेम। ठीक है, चलिए तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन तरफ में यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। तो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है जो 2 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसका उत्तर हम आप लोग को बताएंगे अभी। ठीक है, चलिए जैसे मैं यहाँ पर दोनों में क्वेश्चन एक और दिया गया है। इस संसार में कैसा लोग सुलभ एवं कैसे लोग दुर्लभ है। ठीक है, ये दोनों में क्वेश्चन है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 को बनाना है आप लोगों को, जो मन करेगा वो बना लीजिए। यहाँ पर दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन कि नरक के 3 द्वार कौन कौन है। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। 5 नंबर क्वेश्चन है अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे पढ़ोगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखो, अगर किसी को इसका PDF चाहिए ना, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जरूर कर देना। व्हाट्सएप में मैसेज यानी उसका नंबर है 6207 32720। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग को मैसेज करना है 6207 32720। ठीक है, चलिए अब दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मात्र 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए 11 में दिया गया क्वेश्चन कि पठित पाठ के आधार पर 6 प्रकार के दोषों का वर्णन करना है। उसके बाद में दिया गया 12 में कि मंदाकिनी नदी के संदर्भों का वर्णन करना है। 13 में दिया गया कि करमवीर कथा का सारांश लिखे। और 14 में दिया गया कि स्वामी दयानंद पर रात्रि देवनाथ का प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय। ठीक है, अब इसका उत्तर के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, बारी बारी से चलिए चलिए यहाँ पर लघु उत्तरीय, यहाँ पर इसका उत्तर हम लेकर आ चुके हैं। बारी बारी से सबका उत्तर हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था लघु उत्तरीय में कि करमवीर कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं पूरा का पूरा दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़कर उत्तर दे दीजिएगा। जैसे मैं करमवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही करमवीर पाठ से शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए उसके बाद में 3 नंबर बना दिए हैं, एक के बाद में 3 नंबर। देखिए नरक के 3 द्वार कौन कौन है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। देखिए नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। इन तीनों गुणों के कारण ही जीवन का पतन होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी काम क्रोध और लोभ के नरक के द्वार बताया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का उत्तर। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। तो देखिए करमवीर राम प्रवेश राम था जिसका जन्म दलित परिवार में हुआ था और परिवार परिवेश में रहकर प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद का पहुंचता है। चलिए उसके बाद में 8 नंबर बताए हैं कि मूल शंकर कौन थे। तो देखिए मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम था। वो एक महान भारतीय संत समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 में को गुजरात के टंकरा में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ अंधविश्वासों और जाति प्रथा का विरोध किया और वेदों के सत्य और शुद्ध रूप की पुनर्स्थापना पर बल दिया। चलिए हो गया 8 नंबर। उसके बाद में 9 नंबर, एक बार लाइक कर दीजिएगा बाबू लो आप लोग, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, लाइक कोई कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीति सुलोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। देखिए जिस मनुष्य का कर्म सर्दी गर्मी भय आनंद तथा उन्नति अवनति से प्रभावित न हो उसे पंडित कहते हैं। ठीक है, चलिए और
उसके बाद में अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देखो, यहाँ पर दिया गया है कि मंदाक 12 नंबर बनाया है डायरेक्ट। तो चलिए मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन कर देना है। देखिए यहाँ पर कर दिया गया है मंदाकिनी नदी दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक महलाई नदी है। यह अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। इस नदी पर उद्गम स्थान उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। मंदाकिनी नदी का स्रोत केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनंद है, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 का उत्तर। उसके बाद में 13, ठीक है। देखो करमवीर कथा का सारांश लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए करमवीर कथा देखो पढ़ कर सुनाने से हमारा मतलब है कि आप लोग के पास टाइम मिल रहा है, तो आप लोग लिख लो यहीं से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो करमवीर कथा में क्रम के महत्व का उल्लेख किया गया है। इन कथा का नायक राम प्रवेश राम एवं निर्धन दलित परिवार का सदस्य है जिन्हें अपने कठिन परिश्रम और एक सामाजिक समरसिक शिक्षा के सहयोग एवं मार्गदर्शन के केंद्रीय लोकसभा योग की शिक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर अपने तथा अपने माँ पिता का नाम रोशन किया था, ठीक है। ये हो गया 13 का। और लास्ट है 14 का उत्तर, देख लीजिए। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, महर्षि स्वामी दयानंद 1824 से 1883, ठीक है, एक एक करके सभी भक्त सो गए सिवाय मूलशंकर के, जिन्हें सिखाया गया था कि यदि कोई आप उस विशेष रात को सो गए तो पूजा करने वालों को अपनी भक्ति का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रात के सन्नाटे के कुछ चूहे अपने बिलों से बाहर निकले और शिव मंदिर पर भक्त द्वारा छोड़े गए प्रसाद को कुतरने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है ना, पूरे बता दिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा तो इसका PDF हम दे देंगे, ठीक है। मेरा नंबर है 6207-32-26, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।